आज माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान बी के पालोदा साहब द्वारा सबदन लागू एवं अन्य दशकों धारा 124 है राजद्रोह के मामले में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। ये मामला दिनांक 26/3/2008 का है। मुखबिर के द्वारा धार पुलिस को ये जानकारी लगी थी कि कुछ आतंकी लोग सिल्वर ऑक फैक्ट्री के पीछे मीटिंग लेने वाले हैं, जिस पर से उनके द्वारा दबिश दी गई थी और वहाँ पर आपत्तिजनक दस्तावेज उनको प्राप्त हुए थे। उन्हें यह जानकारी भी वहाँ पर प्राप्त हुई थी कि ये आतंकी लोग इंदौर की तरफ गए हैं। उसी दरमियानी रात को इन आतंकी गण को पुलिस ने माणिकबाग पर स्थित श्याम नगर में गफ्फू खां के मकान में इन सब लोगों को दबिश दे के पकड़ा था और इन सभी आरोपी गण के पास से हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज तथा बारूद गोला बारूद इनसे बरामद हुए थे। और ये प्रकरण माननीय बी के पालोदा साहब के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें अभिजन के द्वारा 27 गवाह कराए गए थे। उस पर विश्वास करते हुए आज माननीय न्यायालय द्वारा धारा 25, 27, 3, 4, 5, 6 विस्फोटक अधिनियम, 3, 10, 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम तथा धारा 122, 124A, 153A भादावी के तहत सभी धाराओं में इनको दंडित किया है तथा 124A राजद्रोह में इन सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। ये 10 आरोपीगण साबरमती जेल अहमदाबाद में है तथा एक आरोपी मुंगोज जो जमानत पर था उसे आज माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है और उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। ये भी कहा रहेंगे सभी आरोपी, ये सभी आरोपीगण के लिए माननीय न्यायालय द्वारा सेंट्रल जेल को निर्देशित किया गया है कि इनको सजा भुगताई जाए और इनको वहाँ से बुलाया जाए, ये निर्देश दिया गया है। तो वो जेल अथॉरिटी अपने हिसाब से अपना काम करेगी।